हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनगर चैनल। दोस्तों हमारे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूं खैरियत से होंगे, जहां होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन आप देख के हैरान हो जाएंगे। ऐसी बिल्डिंग जो कि अभी इसका इनॉग्रेशन होने वाला है और कब होगा वो भी इस वीडियो में पता लग जाएगा आपको। बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो जो कि आपको नजर आएगी। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानी। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानी। वीडियो का टाइटल है इनसाइड न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। देखते हैं इस बिल्डिंग में क्या क्या खसूसियात हैं और नई बिल्डिंग बन रही है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानी। वीडियो देखते हैं। ओहो जबरदस्त। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अनवील द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ऑन 28th ऑफ मे। The much awaited building is part of the redevelopment of the Central Vista, the nation's corridor. The entire project cost thousands of crores and has top-of-the-line construction. So, let's take a look at the multi-dollar government's project. The four-story building has been constructed at an estimated cost of 970 crores rupees. The new building is expected to host the forthcoming monsoon session in July. Wow. The building is triangular shaped and it is built in an area of 64,500 square meters, which can house 1,224 MPs. The Lok Sabha hall will be three times bigger, with a capacity of up to 888 seats. It is based on peacock theme, the national bird. Whereas large Rajya Sabha hall with a capacity of up to 384 seats is based on lotus theme, the national flower. State of art constitutional hall. The constitutional hall symbolically and physically puts the Indian citizens at the heart of our democracy. Ultra modern office spaces. The building will have offices that are designed to be secure, efficient and are equipped with the latest communications technology. Embodiment of Indian heritage. The new parliament building will reflect the vibrancy and diversity of modern India, incorporating the country's cultural and regional art and crafts. Eco-friendly parliament. A platinum-rated green building, the new Sansad Bhavan will be a symbol of India's commitment towards environmental sustainability. Disabled-friendly infrastructure. The new parliament building will be accessible for people with disabilities. Earthquake prone. The new parliament building will also be able to withstand earthquakes. Along with these facilities, it comprises a lounge for members of parliament, multiple committee rooms, a library, dining areas, and ample parking space. The inauguration of the new state of the art parliament building will also mark 9 years of the Modi government. बहुत ज़बरदस्त जी फ्रेंड्स। जी दोस्तों आपने देखी, जी सिमल आपने देखी कितनी ज़बरदस्त बिल्डिंग ट्रायंगुलर शेप में और न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है अभी हाल ही में जो है इसका जो है इनॉग्रेशन होने वाला है। अच्छा। और उसके लिए भी डेमो रेडी हुआ हुआ है? नहीं बन गया है तकरीबन, देखिए कुछ दिनों के बाद ही है ना इसका जो है ना इनॉग्रेशन करेंगे मोदी जी। और बहुत ही महंगी तरीन जो है ना बिल्डिंग बनाई है, 900 करोड़ रुपये की, 964 इस तरह है मेरे ख्याल में, आई थिंक ये 900 करोड़ रुपए का ही खर्चा है। 970 हाँ, 970 हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना बड़ा बजट जो है इन्होंने जो है ना इस पार्लियामेंट बिल्डिंग के ऊपर रखा, पैसे हैं तो खर्च भी करेंगे और बड़ा अच्छा स्टोन जो है ना इसके मुनफरिद जो है ना स्टोन इस्तेमाल हुआ है। एक हमने वीडियो की थी वहाँ की, अपना कहाँ की थी, आगरा की थी, जयपुर की थी, जहाँ वो स्टोन था वो रेड स्टोन था, आगरा की है ना आई थिंक। हाँ, आगरा में कुछ था मुझे याद नहीं है। हाँ हाँ आई थिंक आगरा, आगरा ही है जो आगरा में तो ताजमहल है, पिंक सिटी हाँ पिंक सिटी था, जयपुर जयपुर हाँ तो जयपुर में जो है वो रेड स्टोन का इस्तेमाल हुआ हुआ है। हम समझे कलर हुआ हुआ है लेकिन रेड स्टोन इस बिल्डिंग में भी रेड स्टोन का इस्तेमाल हुआ हुआ है। मुझे ऐसी लग रहा है कि ये स्टोन जो है ना एक मुनफरिद स्टोन है जो कि जो है ना इसमें इस्तेमाल किया गया है। और कितने प्यारे कम यानी रूम्स बनाए हुए हैं, यानी कि मीटिंग के रूम अलग बनाए हुए हैं, राज्यसभा का अलग बनाया हुआ है, तो उसमें काफ़ी सारी कैपेसिटी रखी है। वो फिर ऊपर बैठने के लिए भी अलग से जो है उन्होंने ये जगह दी है और इतना बड़ा बजट
का पास करवाना और उसके ऊपर काम कराना और फिर इतनी बड़ी बिल्डिंग का बनवा लेना एक बहुत बड़ी बात होती है कि इसी गवर्नमेंट में इन्होंने ये प्रोजेक्ट को जो है लॉन्च किया और इन्होंने ही जो है ना उसको इनॉग्रेशन किया, तो ये एक बड़ी एजाज़ की बात होती है कि भाई हमने कहा था, हमने बनाया और हमने करके दिखा दिया। ये एक बड़े एजाज़ की बात है कि भाई यहाँ तो ये होता है कि जो इफ्तिता कोई और करता है और माना उसकी जो संगे बुनियाद जो है ना कोई और रखता है और फिर इफ्तिता कोई और कर रहा होता है। फिर एक टाइम पीरियड के हिसाब से अगर 5 साल में प्रोजेक्ट मुकम्मल होना है तो वो 10 साल में मुकम्मल होता है, लेकिन यहाँ पर इन्हीं की गवर्नमेंट ने इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया और उन्होंने जो है ना इसको इख्तिताम किया। ये एक जो है ना क्रेडिट जाता है मोदी गवर्नमेंट को कि इन्होंने उस बात को जो है ना माना जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया उसी को जो है ना मुकम्मल कर लिया। ये एक बड़ी बात होती है और जाके बार बार का विज़िट करना है। हमने देखा इस वीडियो में कि उन्होंने विज़िट करके देखा, जो जो इंस्ट्रक्शन दी उसको फॉलो करके जो इंजीनियर ने इस बिल्डिंग को बनाया। जब इनॉग्रेशन होगा तो इसके और मजीद जो फ़वाद होंगे वो हमारे सामने आएंगे, तो फिर हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाएंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त एक वीडियो थी, अच्छा मैसेज जाएगा इंडिया में कि भाई हमने ये इतनी बड़ी एक बिल्डिंग बनाई। और जो फॉरनर बाहर से जो लोग आते हैं, बहुत सारे ऐसे भी फॉरनर पार्लियामेंट हाउस में जाके जो ना स्पीच दे रहे होते हैं तो उनको भी एक मज़ा आएगा कि भाई इतनी बड़ी अच्छी बिल्डिंग बनाई है। तो बाहर यानी कि अमेरिका को अगर आप देखें कि उनकी भी इतनी अच्छी बिल्डिंग नहीं है जितनी बिल्डिंग इन्होंने अच्छी बनाई है। ये एक जो है क्रेडिट जाता है कि अब जो भी चीज़ें नज़र आ रही हैं, जो चीज़ें नई बन रही हैं वो नंबर वन पर जा रही हैं, यानी कि नंबर वन फलानी चीज़, नंबर वन फलानी चीज़, नंबर वन फलानी चीज़, तो इसी तरह ये भी एक नंबर वन पर ही जाएगी। ये बिल्डिंगों में अगर आप देखेंगे तो इस बिल्डिंग का भी व्यू भी अच्छा है, लेक भी सामने आई थी, लेक भी दिखा रहे थे, बिल्कुल लेक भी है और बिल्डिंग को जो बिल्कुल गोल सर्कल में बनाया, ट्रायंगुलर शेप में बनाई है पार्लियामेंट बिल्डिंग और वो राज्यसभा है। इसी तरह आप अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या क्या चीज़ें और मज़ीद इसके अंदर जो है इसकी जो है खूबियाँ हैं वो उसके बारे में, जो अगर आपके पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन हो, और इसका जब इनॉग्रेशन होगा तो और मज़ीद हमें जो है मालूमात में इजाफा होगा। इसके साथ ही मुझे और सिमल को इजाज़त दें नेक्स्ट वीडियो में। हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें और सारे न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगे। और जो है वीडियो को देखा करें तो लास्ट तक देखा करें और कमेंट सजेस्ट ज़रूर ज़रूर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।